2020 विधानसभा चुनाव के पैटर्न को देखने पर ऐसा लगता है कि बिहार के कुछ इलाकों पर मोदी सरकार का खास फोकस है। इसमें से एक इलाका मिथिलांचल का है। इसी के तहत गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे के रूट को मिथिलांचल के कुछ जिलों में रखा गया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से पश्चिम बंगाल के सिल्लीगुड़ी तक के एक्सप्रेसवे को मिथिला नगरी सीतामढ़ी और मधुबनी से भी गुजरना है। जानकारी के मुताबिक मधुबनी में एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो गया है। भारत माला परियोजना के चरण दो के तहत यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नेपाल सीमा से समानांतर चलेगा और तीन राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। इस सड़क का 2028 तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह सड़क सबसे अधिक भूभाग बिहार में ही है। बिहार के जिलों की बात करें तो एक्सप्रेसवे गोपालगंज में प्रवेश कर छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल में सिल्लीगुड़ी तक जाएगी। अगर सिर्फ मधुबनी जिला की बात करें तो यह सड़क बेनीपट्टी, बाजितपुर, रजिया, बररी, माधोपुर होते हुए सीतामढ़ी जिला के सीमा में जाएगी। मधुबनी में इसके लिए प्रथम चरण में जमीन चिन्हित कर पिलर गाड़े गए हैं। अब इसका नक्शा तैयार किया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि सड़क घनी आबादी से अलग हटकर गुजरे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस सड़क निर्माण के लिए मेसर्स मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड भोपाल के द्वारा इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR तैयार किया जा रहा है। जल्द ही इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाएंगे। इस सड़क के बनने से पूर्वांचल और बिहार से सिल्लीगुड़ी जाने वाले लोगों को काफी फायदा होगा। उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल का सीधा संपर्क सड़क होने से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे 15 घंटे का रास्ता सिर्फ 9 घंटे में पूरा किया जा सकता है। साथ ही बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बता दें कि इसके लिए 6-लेन एक्सप्रेसवे सड़क का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इस पर 32,000 करोड़ रुपए खर्च होना अनुमानित है। बता दें कि बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 60 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान 40 से ज्यादा सीट पर NDA का कब्जा था। तब JDU और BJP गठबंधन चुनाव लड़ी थी। सीतामढ़ी की 5 में से 3 विधानसभा सीटों पर BJP JDU गठबंधन को जीत मिली, वहीं राजद ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। इसी तरह शिवहर की एकमात्र विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल ने जीत हासिल की थी। बीते 3 साल में दरभंगा एम्स और एयरपोर्ट की बात हो या मखाना इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम हो, केंद्र सरकार के बिहार से जुड़े अधिकतर फैसले मिथिलांचल के हित में रहे हैं। खास तौर पर दरभंगा एयरपोर्ट ने मिथिलांचल की इकोनॉमी को नए तरह से बूस्ट दिया है।